चलिए तो आज हमने पिछली क्लास में कटआउट रिले के बारे में जाना था। उसके बाद हमने कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम के बारे में सीखा था, है ना। इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे फील्ड वाइंडिंग में। आज हम डबल कांटेक्ट रेगुलेटर के बारे में सीखेंगे, राइट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, एट द हाई स्पीड जनरेटर, अगर हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो जनरेटर भी हाई स्पीड पे चलेगा। द फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, है ना, मोमेंटली व्हेन द इंसर्ट रेजिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट रिड्यूस द एक्साइटिंग करंट। यानी कि ये क्या कह रहा है, जो हमने ये कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम पढ़ा था, इसमें हम क्या कर रहे थे, हाई स्पीड पर जाने पर ये रेजिस्टेंस इंसर्ट कर रहे थे, राइट। जिससे क्या हो रहा था, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही थी। फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही थी तो करंट की वैल्यू नीचे आ रही थी, है ना, ये हम इसमें देख रहे थे। बट अब वो क्या कह रहा है कि ये सफिशियंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, इसके बावजूद भी ये सफिशियंट रेजिस्टेंस नहीं है जो फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर सके, है ना। आप स्पीड और बढ़ा रहे हैं तो जनरेटर की स्पीड और बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आया कि ये रेजिस्टेंस लगाने के बावजूद भी इस फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं हुई कि रिक्वायर्ड करंट की वैल्यू कम हो जाए, राइट। वो अभी भी ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो उसका इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ होगी, यहाँ पर, है ना, डबल कॉन्टेक्टेड रेगुलेटर में। तो इट इज अचीव व्हेन द कॉन्टेक्ट पॉइंट टू और थ्री क्लोज, दो और तीन को जब हम क्लोज करेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट वन और टू ओपन, है ना। इसको देखिए, फिगर से समझते हैं किन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है वो। ये देखिए, इस फिगर से हम इसे समझ सकते हैं। ये जनरेटर है हमारे पास, है ना, यहाँ से ये करंट गया, ये फील्ड वाइंडिंग है, राइट। इस फील्ड वाइंडिंग से गया, जैसा कि हम जानते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव में सारे कंप्लीट होने चाहिए। ये हमने ग्राउंड कर रखा है गाड़ी से के चेजेस से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है जैसा कि। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, तो यहाँ से हम फील्ड में गए। अब देखिए, करंट यहाँ आकर, इस पॉइंट पर आकर, इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, करंट फ्लो हो सकता है। दूसरा, ये देखिए, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से जाएगा, है ना, पॉइंट टू और वन से, है ना, वन और टू की अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ ये स्प्रिंग लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये स्प्रिंग लगी है। तो इस स्प्रिंग टेंशन से ये पॉइंट क्या होंगे, क्लोज होंगे। इनिशियली ये दोनों पॉइंट्स क्लोज रहेंगे, राइट। तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस जहां कम होगा, करंट वो पाथ फॉलो करेगा, राइट। तो करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, पॉइंट टू और वन के थ्रू ग्राउंड हो गया, है ना, अभी इनिशियली जब ये जुड़े हुए हैं, एक और दो पॉइंट, राइट। तो ये करंट पाथ ये वाला फॉलो करेगा, है ना। अब क्या हुआ, गाड़ी हमने चलाई, स्पीड बढ़ी गाड़ी की, जनरेटर की स्पीड बढ़ी। तो अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को इंसर्ट करना है, जैसा कि पिछली प्रॉब्लम में हमने देखा था, है ना। अब देखिए, यहां से चले, यहां चले, यहां चले, चूंकि वन और दो, है ना, एक और दो, ये ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया, क्योंकि हायर स्पीड पे यहाँ मैग्नेट बनना शुरू हो गई, इस पोर्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना, स्ट्रांग मैग्नेट बनना शुरू हो गई। जब ये स्ट्रांग मैग्नेट बनी तो इसने इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचने की वजह से ये पॉइंट थ्री और ये टू, ये क्या होंगे, ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, राइट। तो देखिए, अब करंट यहां से फ्लो होगा, यहां आएगा फील्ड में, फील्ड से इसके पास दो पाथ हैं इस पॉइंट से यहां से जाने के लिए। चूंकि टू और वन, ये टू और वन ओपन है, तो यहाँ ओपन सर्किट हो गया, यानी कि एयर आ गई, अगर हम समझना चाहें तो। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, इस फील्ड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, राइट। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कम रेजिस्टेंस वाला। तो करंट अब इस पाथ को दो और एक से नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला, रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, राइट। इससे क्या होगा, हमने फील्ड में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, राइट, इससे फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। चलिए, अब देखिए, यहां से हम देखेंगे, ये करंट जा रहा है, यहां जा रहा है, तो यहां से ये करंट जा रहा है, राइट, यहां से ये करंट गया, इस फील्ड में करंट गया, है ना, यहाँ फील्ड में वो करंट जा रहा है, राइट।
तो इस फील्ड में करंट जाने से मैग्नेट बना, मैग्नेट से ये इसने आर्मेचर को अट्रैक्ट किया, कांटेक्ट पॉइंट 2 और 3 ऐड हो गए, है ना, ज्वाइन हो गए, यहाँ से ये ज्वाइन हो गए। अब देखिए इनके ज्वाइन होने से क्या हुआ, यहाँ ये करंट कटआउट में जाना शुरू हो जाएगा, है ना, कटआउट में जाना शुरू हो जाएगा। तो कटआउट में जाने के दौरान आपको पता है ये क्या करेगा, कटआउट की वर्किंग हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ये क्या करेगा, यहाँ पे इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। अब इनके ज्वाइन होने से यहाँ बैटरी को करंट जाना, सप्लाई जाना शुरू हो जाएगा और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, राइट। ये कब होगा, सारी चीजें 12 वोल्ट से अबव पर, है ना, 12 वोल्ट से हायर वोल्टेज पर, ठीक, यानी कि कहने का मतलब जनरेटर के वोल्टेज जब बैटरी वोल्टेज से हाई हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, है ना, तब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ज्वाइन होंगे और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ना, अगर यहाँ हमें मैग्नेट को, जो भी मैग्नेट बन रही है उसको एडजस्ट करना है, तो हम इस रेजिस्टेंस से एडजस्ट कर सकते हैं ना, ये एडजस्टेबल शंट रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, राइट, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मैग्नेट को फिक्स करने के लिए, है ना। चलिए, तो ये अब हमने बात किसकी करी, डबल कॉन्टैक्ट रेगुलेटर पॉइंट, इससे वोल्टेज रेगुलेटर होगा, रेगुलेट होगा और जनरेटर से बैटरी को सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे कंपनसेटेड वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर की, है ना, सबसे पहले हमें यही चीज देखनी है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, राइट। अब देखिए यहां से सप्लाई आई, फील्ड वाइंडिंग में गई, फील्ड वाइंडिंग से यहाँ आए, इस पॉइंट पे फिर हमारे पास दो पाथ हैं, है ना, अभी इनिशियली ये पॉइंट क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, है ना, सिंपल, जो अभी हमने समझा, जो पिछली क्लास में समझा, तो करंट कहाँ से जाएगा, इन पॉइंट्स के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, है ना, यानी कि करंट फ्लो हो सकता है इस सर्किट में, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल जाएगा यहाँ, राइट। अब देखिए, अब यहाँ से गए, यहाँ इस सर्किट को फॉलो करते हैं, यहाँ आए, इस वाइंडिंग में करंट गया, यहाँ से गया, और ये देखिए ये ग्राउंड हो रहा है एंड में, राइट, यानी कि इस सर्किट से भी करंट फ्लो हो सकता है ना। अब देखिए इस पोर्शन में यहाँ पे मैग्नेट बन रही है, यहाँ इस एरिया में मैग्नेट बन रही है, तो क्या होगा, ये इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल पहले की तरह, तो ये ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पोजीशन में क्या होगा, ये पॉइंट ओपन हो जाएंगे, राइट, ये पॉइंट क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। अब देखिए करंट कहाँ से फ्लो करेगा, जैसा कि अभी हमने समझा, है ना, अब जब ये पॉइंट्स ओपन हो गए तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एयर इज द बैड कंडक्टर, तो यहाँ एयर आ गई, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट कम रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, यहाँ से करंट जाएगा, राइट, यही हमारा पर्पस था, इसमें हमने क्या किया, फील्ड में रेजिस्टेंस एड ऑन कर दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए जब ये आर्मेचर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट रहेगा तो ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ से एक करंट तो यहाँ इसके थ्रू ग्राउंड हो रहा है, राइट, ये पाथ मिल रहा है। अब देखिए एक यहाँ से कुछ करंट इस पाथ को भी तो फॉलो करेगा, देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, यहाँ से गए, ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं है ना, ये यहाँ से गए, ये दोनों वायर आपस में ज्वाइन नहीं है यहाँ पे, और ये करंट ग्राउंड हो गया, है ना, यहाँ ये करंट ग्राउंड हो गया, राइट, तो करंट इस सर्किट में से भी फ्लो हो सकता है, सर्किट कंप्लीट है हमारा, राइट। अब जब इसमें से फ्लो हो सकता है तो देखिए यहाँ मैग्नेट बनेगी, इस पोर्शन में मैग्नेट बनेगी, ये सेम कटआउट रिले की बात कर रहा है, इस मैग्नेट बनी, जब यहाँ मैग्नेट बनी तो इसने इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ध्यान दीजिए अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करने से ये दोनों पॉइंट आपस में मैच हो जाएंगे, है ना, इनिशियली ये स्प्रिंग टेंशन से ऊपर है, होल्ड करके रखे हुए हमने, ठीक, यहाँ उसने दिखाया नहीं है, तो ये दोनों जब पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक, अब जब ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में आ गए, है ना, जुड़ गए, तो देखिए करंट एक यहां से जा रहा था, यहां से जा रहा था, अब करंट यहां से फ्लो करेगा, राइट, यहां से ये फ्लो कर रहा है, ये इस वाइंडिंग में जा रहा है ना, ध्यान दीजिए यहां से जाता हुआ कहाँ जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इस वाइंडिंग में जा रहा है, पॉइंट ए और बी पर जा रहा है ना,
पॉइंट ए और बी पर जा रहा है। क्या करंट इस पाथ को फॉलो करेगा? हाँ, इस पाथ को फॉलो करेगा, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस पाथ से जा रहा होगा, राइट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इन पॉइंट के थ्रू जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है ना। जब ये आपस में ज्वाइन हो गए पॉइंट, तो इस पाथ के थ्रू करंट फॉलो करेगा। यहां से करंट ये फॉलो करेगा, ये देखिए यहां फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसे फॉलो करेगा, राइट, है ना। और ये ग्राउंड हो रहा है, तो सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो सकता है ना। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट बी से आपने ये वायर निकला हुआ है, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, बैटरी के लिए। तो पॉइंट बी से बैटरी में सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, राइट। ये कब होगा? जब जनरेटर के वोल्टेज हायर हो जाएंगे बैटरी वोल्टेज से, राइट। अब देखिए पॉइंट ए की और मैं बात करूं, इसे साफ करते हैं। पॉइंट ए से कहाँ जाएगा, यहाँ सप्लाई आ गई। पॉइंट ए से यहाँ अदर इक्विपमेंट्स के लिए भी हम सप्लाई दे सकते हैं ना, टू लैम्प्स, कॉइल्स एंड अदर, है ना। तो ये अदर के लिए सप्लाई जाएगी, एज वेल एज बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये कैसा टाइप हो गया? कंपनसेटेड वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर, राइट। तो चलिए, इन दोनों वोल्टेज रेगुलेटर्स में आपके जो भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम सीखेंगे।